स्वागत है आपका अपने चैनल एक लव्या स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की हिंदी की बुक है अंतरा, और उसमें जो काव्य खंड है उसमें से जो कविता सत्य है जिसको विष्णु खरे ने लिखा है, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। और आपको बताना चाहूंगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप आके मुझे वहां पे बता सकते हैं। तो आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो आज की हमारी वीडियो है इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, और हो सकता है एक या दो क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपसे पूछूं, जिसके आंसर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, सत्य कविता के मुख्य पात्र कौन है? ठीक है, अगर आपने सत्य कविता अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होगा कि मुख्य पात्र कौन है सत्य कविता के। तो पहला विकल्प है आपके सामने युधिष्ठिर और कर्ण, दूसरा विकल्प है युधिष्ठिर और विदुर, तीसरा विकल्प है अर्जुन और भीम, और वहीं चौथा विकल्प है आपके सामने नकुल और सहदेव। तो पहले प्रश्न का जो सही विकल्प जो होगा वो होगा युधिष्ठिर और विदुर। ठीक है, तो ख जो है इसका विकल्प ये सही हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सत्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको बताना है विकल्प को देख के। पहला विकल्प है आपके सामने पूजा पाठ, दूसरा विकल्प है मारपीट, तीसरा विकल्प है भक्ति, और चौथा विकल्प है कठोर तप। तो अगर आपने कविता को पढ़ा हो तो उसमें क्लियरली कहा गया है कि सत्य को प्राप्त करने के लिए हमें कठोर तप करना पड़ता है, तो हमारा जो घा होगा विकल्प ये सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, कविता में विदुर किसके प्रतीक हैं? आपको बताना है जो विदुर हैं वो किसके प्रतीक हैं? का जो आपका विकल्प है वो है पाप के, क्या विदुर पाप के प्रतीक हैं, या धर्म के प्रतीक हैं, भक्ति के प्रतीक हैं, या फिर सत्य के प्रतीक हैं? तो इसका जो करेक्ट, जी हाँ, हम कह सकते हैं जो सही इसका उत्तर होना चाहिए वो होगा विकल्प आपका जो घा है, सत्य के प्रतीक। ठीक है, जो विदुर हैं वो सत्य के प्रतीक हैं। चौथा प्रश्न अब आपकी स्क्रीन पे, युधिष्ठिर जो है विदुर को क्यों पुकार रहे थे? ठीक है, कविता में आपने देखा होगा युधिष्ठिर विदुर को पुकारते हैं, अब इसका कारण क्या है? राज्य पाने के लिए पुकार रहे थे, या दूसरा विकल्प है बात मनवाने के लिए पुकार रहे थे, या फिर तीसरा विकल्प है सत्य को पाने के लिए पुकार रहे थे, या फिर चौथा विकल्प है युद्ध करने के लिए पुकार रहे थे? तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा सत्य को पाने के लिए, यानी कि जो युधिष्ठिर विदुर को पुकार रहे थे वो सत्य को पाने के लिए पुकार रहे थे, इसलिए उचित जो आपका होना चाहिए विकल्प वो गा होगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न है अब आपकी स्क्रीन पे, युधिष्ठिर किसके प्रतीक हैं? ठीक है, युधिष्ठिर जो है कविता में जो पात्र हैं वो किसके प्रतीक हैं? पहला विकल्प है झूठ के, दूसरा विकल्प है निष्ठावान के, तीसरा विकल्प है सत्य के, और चौथा विकल्प है अधर्म के। तो इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, आंसर नंबर 5 लिखना, और जो करेक्ट ऑप्शन है वो मुझे बताना। छठा प्रश्न है अब आपकी स्क्रीन पे, जंगल की ओर मुंह छिपाकर कौन भागे थे? ठीक है, पहला विकल्प है कर्ण, क्या कर्ण भागे थे मुंह छिपा के, या फिर युधिष्ठिर भागे थे, या फिर अर्जुन भागे थे, ठीक है, या फिर विदुर भागे थे? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा विदुर, क्योंकि जंगल की ओर मुंह छिपाकर विदुर ही भागे थे कविता के अंदर। अब सातवां प्रश्न है आपके सामने, सत्य हमसे क्या जानना चाहता है? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहला इसका विकल्प है हम उसके लिए कितनी दूर तक जा सकते हैं, या फिर हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, या फिर हम उसके लिए कितनी भक्ति कर सकते हैं, या फिर हम उसके लिए कितना झूठ बोल सकते हैं। तो इस जो प्रश्न का सही विकल्प होगा वो क होगा, क्योंकि सत्य हमसे यह जानना चाहता है इस कविता के अनुसार कि हम उसके लिए कितनी दूरी तक या कितनी दूर जा सकते हैं। अब आठवां प्रश्न आपके सामने है, कविता की पंक्ति को पूरा करें। आपके सामने कविता की कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, आपको पूरा करना होगा। तो किसी तरह हम युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं, तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर डैश, ठीक है, अब इसमें खाली रिक्त स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है। तो पहला विकल्प है रुक ही जाता है सत्य, या फिर दूर चला जाता है सत्य, या फिर मुड़कर नहीं देखता सत्य, या फिर ओझल हो जाता है सत्य। तो इसको हम देखते हैं एक बार ही लगा के। तो पहला है रुक ही जाता है सत्य, अगर हम इसको पढ़ेंगे, किसी तरह हम युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है सत्य, क्या ये होगा? या फिर किसी तरह हम युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर दूर चला जाता है सत्य, या इसकी जगह हम ये लाइन लगाएं या फिर ये लगाएं। पर अगर आपने कविता ढंग से पढ़ी है तो इसका जो उचित या सही आंसर होगा वो पहला विकल्प होगा, रुक ही जाता है सत्य। ठीक है, क्योंकि यही लाइन को पूरी करता है।
नौवां प्रश्न है अब आपके सामने, सत्य कविता का मूल भाव क्या है? ठीक है, जो ये कविता जो है इसका मूल भाव क्या है? पहला विकल्प है झूठ के प्रति निष्ठावान होना, या फिर महाभारत के प्रति समर्पित है इसका मूल भाव, या फिर भक्ति के लिए समर्पित है, या फिर सत्य के प्रति निष्ठावान। तो इसका जो मूल भाव है वो कविता का ये है कि सत्य के प्रति निष्ठावान। ठीक है, दसवां प्रश्न है अब आपके सामने, एक कम व सत्य, ये जो दो कविताएं हैं इसके कवि कौन हैं? ठीक है, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। पहला विकल्प है आपके सामने रघुवीर साहे जी, या फिर घनानंद जी, या फिर विष्णु खरे जी, या फिर घनानंद जी। ठीक है, ये दो बार ही घनानंद आ गया है, आप इसको इग्नोर करें। तो आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा होगा, एक कम और सत्य कविता जो है इसके कवि कौन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही हम मिलेंगे अपनी आने वाली और भी वीडियोस में। आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।